अब तीसरे झटके में हम आ गए हैं कांटे के पास। और यहाँ देख के मील बढ़िया चला, दोनों चैन खाली सी पड़ी हैं। और ये देख के फार्म ट्रैक पे कितना लोड पड़ गया, फार्म ट्रैक शॉर्ट पे। ये दोस्तों सेंटर की सफाई करके लाया, ये देखो जी, आ हा हा हा, दबे कुचले गन्ने सारे ले आया, भर के पूरा लोड मान गया। और दोस्तों ये भी काफी पुराना भैंसा जो है मील में चल रहा है, देखो पैर ही बता रही है इसके, एज हो रही है इसकी काफी। और पीछे से देखो यो बैल आ रहा है एचएफ, कितना शानदार बैल है, कर रहा काम बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इनका तो जो समझ जाना इन्हें बस, वो तो फिर बल्ले बल्ले है उसकी तो। 60,000 रुपये झोटे किन देने किसी को, कोई घना माल नहीं खुआना। और दोस्तों इससे पीछा होगा एक बहुत ही खूबसूरत कटड़ा, ये देखो जी, क्या दांत है भैया, चार दांत है, बहुत ही सोना डंगर है, बड़ा बेहतरीन, नहीं पर बता रहे ढंग, तीन फेरे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। दोस्तों तीन फेरे कर रहा, चार दांत कर रहा, बिल्कुल अच्छा अच्छा। तो यो भैया अपना नाम पता बता दो, कोई शौकीन भाई, प्रमोद नाम है, चिरोड़ी। अच्छा प्रमोद चिरोड़ी, बिल्कुल सही बात है, तुम तो ले बेच भी कर लो, बहुत बढ़िया। दोस्तों दो दो तीन तीन फेरे कर ले, और कटड़े के लिए आप पता कर लेना, कटड़ा मिल सकता है। रेगियो देखो कैसे सिंगार का छोटी पूंछ का आ रहा, लेकिन उस कटड़े को मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, वो तो सामान कुछ और ही है। दोस्तों कटड़ा दिखा देता हूँ, भाई से संपर्क कर लेना प्रमोद चिरोड़ी से। लंबाई ऊंचाई देखो जी, चार दांत कटड़ा, और धुएं तार रख के दो दो तीन दिन फेरे मार दे, नेवर का बिल्कुल साफ है, बहुत शानदार। संपर्क कर लियो भाई, जिन्हें कटड़ा पसंद आ गया हो, और चलना कटड़ा बहुत बढ़िया है। कई वो मोटे सिंगार का, चटवा खुरो का, यो भी बहुत अच्छा कटड़ा, पर उसकी बात कुछ और है, वो सोकिंदी के हिसाब का कटड़ा। तो प्रमोद भाई से संपर्क कर लियो, जिन्हें बढ़िया लगे ना भैया, चलो तुमने तो आज तो सारे माल पी गए। दोस्तों चढ़ गया कांटे पे और 71-85 हो गए हैं, दिल मेरा कितना खुश हो रहा है वो मुझे पता। और दोस्तों किसान भाइयों ने मेली भी ले जाने में कमाल ही कर रखा, पीछे दो फोर्ड और वो भी आ रहे हैं, देखो साधा मैसी कैसे कूदता जा रहा, कितनी गजब कंडीशन है। दोस्तों फोर्ड देखो, ओरिजिनल में तैयार करवा रखा भाई ने, पीछे महिंद्रा है, आगे फोर्ड है, बराबर में पखाड़ा है, पखाला कटड़ा इन टांग, ये देखो बिल्कुल छनी मान लो इसे, तो दांत पकड़ रखी दोस्तों, रुक नहीं रहा, स्लिप मार मार के उठ रहा आगे से। और ये देखो यहाँ वो पवर से वाला खड़ा है, जो हमारे गांव में से गया था खड़ा, वो खड़ा सामने रोकी ने शॉट घेरा था उसका। और यहाँ देखो जी एक से एक खड़ा बेहतरीन, ये देखो बुग्गियों की दो तोल होती हैं, अरे क्या कहने। तो दोस्तों प्रमोद भाई का कटड़ा फिर आ गया है, देखो क्या कहने, शौकीन भाई संपर्क कर लियो। तो दोस्तों हम भी बड़ी चैन की तरफ चल पड़े हैं, खाली लग रही है इधर, देखेंगे फार्म ट्रैक 60, ये सेंटर का कचरा लिए खड़ा है टिंग टॉन्ग, इधर क्या हो रहा है। तो दोस्तों इधर बंद कर लेते हैं और अपनी जंजीर खोल लेते हैं, क्योंकि हमारा दूसरा ही नंबर है, मेरी बराबर में कॉन्टैक्ट आ रहा है नंबर काटने, टिंग टॉन्ग। दोस्तों जाल तो हमने दूसरी तरफ फैलाया था। दोस्तों हमारे साथ गया जॉन डियर 5103 काला मॉडल, जिसके अंदर की बॉडी काली आती थी पहले, भैया टेर की से हैं। दोस्तों आज मेरे सांग हुई है ये जंजीर पलट गई, तो वो गंठे नीचे वाला जिगे थे, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, ट्रैक्टर थोड़ा पीछे ही करके खड़ा करना ठीक है। अब जाल है, अब जो है पंजा आएगा पंजा। दोस्तों टाइम हो गया है, लेबर भागने लग रही है, और इस चैन पे इसीलिए कोई नहीं आ रहा, सब उधर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो है लेबर भाग जाएगी थोड़ी देर में, और हमें अपने आप ही जाल लगाना पड़ेगा। बहुत तगड़ा बैक मारा, उरा रा 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 रा। दोस्तों इतने तगड़े साइड ब्रेक मारे, ट्रैक्टर की हालत खराब कर दी थी भैया ने।
दोस्तों इस पंजे में गड़बड़ है कि यो यहाँ नहीं आ पाता, तो यो वहीं के गन्ने उठाएगा कोने कोने के बस। आहा, निखाली सी पोगा बज रहा दोस्तों। यो 101% यो बंगालियों की चोल है, पर दोस्तों एक बात यो भी है, इसकी राड तो कट रही पतेड़ की, पतेड़ में से कट के कटने गंडे महाभारत है, कट के छुल के कम से कम मील मार इनकी राड तो कट गई दोस्तों। अगर बंगाली नाम है ना, आधे किसानों के भी गंडे नहीं गिरने के, पब्लिक हमारे यहाँ की इतनी काम चोर होगी, सब शहर में को भगरे डेली बर्गर पिज्जा खाना है दोस्तों। जब मेरे साथ के फोड़ता वो तुल गया वहां, दोस्तों लेबर भाग गई है, इतना बहाना मिल गया लेबर को, टाइम बदल गया। और पंजे ने यहाँ जो है आधी ट्रॉली जो गिर गई थी उसकी सफाई कर ली है धीरे धीरे। ये देखें अब ये गन्ने उठेंगे धीरे धीरे। भाई मारे ट्रैक्टर को बगस दिए, कभी मारे का थू थोड़ा तोड़ा है। ले गया जालिम, क्योंकि दोस्तों यहां से इधर नहीं आ पाता, ये हमारा यहां एंड हो गया। देखो ये तीनों आपस में मिल गई, बहुत गन्ने ले गया भाई। दोस्तों अब मैं ऊपर चढ़ गया हूं, अब मैं जाल लगाऊंगा अपना खुद। दोस्तों चैन लगा दिया ऊपर से, वैसे लेवर आ गई है, जल्दी लेवर आ गई है, लेकिन अब वो ऊपर से चैन वाला उतर गया, अब आएगा लगाएगा। दोस्तों लेवर आ गई है, जाल मन ने लगा दिया था, भैया की बराले वालों की लगेगी ट्रॉली। तार दे भाई तार दे जल्दी। दोस्तों हमारे वाले के बाद में ये ट्रैक्टर आया था भराले गांव में, ये जा रहा है देखो 245 है। भैया को इसकी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं, भैया कहते हैं कि ये मैसी वाली आवाज नहीं करता कभी भी। दोस्तों बराबर में फिर टैफे आ गया है, और यहाँ जो है अपने बुग्गी वाले भाई चल रहे हैं, और देखो कितना प्यारा लवा रहा है भैया। यो किसका, तो बड़ा सोना बच्चा जी। दोस्तों इस नस्ल में खूबसूरती बहुत रहती है, देखो पैर इसके लोए हैं, उन्ना ही बच्चा है शायद, और गन्ने बहुत ले रहा है। तो बुग्गी अड़ गई उधर थोड़ा सा, लेकिन कैड़ा पड़ा है जी बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों चल रहे हैं, पता चला नहीं इसका, भैया है नहीं यहाँ। दोस्तों 41 क्विंटल 18 किलो हो गए गन्ने, मौज आ गई। लवारा देखो क्या शानदार है जी, छोटा सा ही बच्चा है पूरे गन्ने ले रहा है। दोस्तों अलग लाइन में ला के थाम लिया है मैंने, ये देखो आइसर 485 का खड़दू दे रहा, और इसके बराबर में देखो सादे मैसी के इसकी जोड़ी है। ये देखो जी भाई ने ट्रैक्टर में काम करवा रखा फोर्ड में, अगला हिस्सा फार्म ट्रैक का डलवा दिया, सीट वीट सारी ओके हैं, पिछले मरघाट बदलवा दिया, देखो कितना काम करवा रखा, पायदान वगैरह ओरिजिनल में तैयार करवा रखा ट्रैक्टर। देखो बराबर में मैसी 35 7 कितना शानदार है जोड़ी, देखो जी दोनों किसान बड़े शौकीन है, क्या मस्त जोड़ी बना रखी है। और यहाँ देखो यहाँ भी किसान भाई बढ़िया चल रहे हैं, राम राम जी। यहाँ देखो जी, और दोस्तों एक चीज और दिखाऊंगा, अगर रोकी वाला कटड़ा जा रहा तो रोकी की और लाल टी शर्ट मिल जा, देखो ये पिछाड़ पड़ जाए इससे। दोस्तों ये रोकी वाला कटड़ा, ये देखो ओहो बेटे मौज आ रही तेरी, तुझे मालिक बढ़िया मिल रहा, यानी कोई और होता तो तुझे सोबर बेग देता। दोस्तों ये देखो क्या जीदार कटड़ा, देखो छोटी रास में ही है, राजस्थान निकर देसी का ढोकला, बहुत बहुत शानदार कटड़ा, चलने की मशीन। और रोकी बो रहा वहां, रोकी खोया पड़ा, रोकी देखो सारे सिंधों में खो रहा। तो दोस्तों मैं इसे बिना बताए चल रहा हूँ कि मैंने इसका यहाँ सीन ले लिया है।
दोस्तों एक और देखो शेर कटड़ा, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही शानदार। इतनी उम्र में भी देखो तेवर देखो जी कटड़े गए। अब बनावट देखो शरीर की कितना हैंडसम। और दोस्तों इन ट्रैक्टरों का तो मैं फोटो भी लूंगा। ये देखो दोस्तों घर से बार बार फोन आ रहे हैं, घर चल रहे हैं फटाफट टिंग टोंग करते हुए। बिल्कुल। और दोस्तों मिल में बाबू जी मिले हैं, राम राम जी। तो बाबू जी आपने तो काफी दिन जॉन डियर चलाया। हाँ, जॉन डियर चलाया भाई। अच्छा जी, गांव भराड़ा है। भराड़ा। तो थोड़ा नाम बताओ जी इसमें अपना। नाम अच्छा जी, तो जॉन डियर कितने साल चलाया जी? जॉन डियर 4 साल चलाया। अच्छा, फिर वो दे के ही लिया था? वो दे के ये लिया फिर। दोस्तों ये गन्ने डालने के लिए लिया था इन्होंने, कम वेट की वजह से। मैं हड़ा कम की वजह से। हाँ जी। अच्छा, और फिर मतलब बड़े में कौन सा लिया? बड़े में न्यू हॉलैंड लिया। अच्छा, मुझे लगा मेसी 52-45 भी चलाया। 45 था पहले, वो दे के फिर न्यू हॉलैंड। न्यू हॉलैंड कौन सा? न्यू हॉलैंड वो 2 3602। अच्छा 3602, वो तो बहुत अच्छा ट्रैक्टर है जी। तो दोस्तों इन्होंने जॉन डियर चलाया बहुत दिनों तक, और अब जो है न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर लिया और मेसी। तो जी ट्रैक्टर वो 52-45 कैसा था? बड़े ट्रैक्टर था वो, है ना? बड़े साइज में था, बढ़िया ट्रैक्टर था, बहुत बढ़िया जी। तो बाबू जी ने ट्रैक्टर चलाया काफी दिनों तक, और अब जो है मील में गन्ने से डालते हैं 1035 से। तो दोस्तों चल रहे हैं यहाँ से इजाला दे, यो भी देखो कितना शानदार खड़ा जा रहा है जी। अब चलते हैं दोस्तों, आज काफी वीडियो बन गई है, घर से बार बार फोन आ रहे हैं टिंग टोंग। दोस्तों फिर से जो इस रोड का सबसे गजब हिस्सा है, देखो कितने लंबे लंबे गन्ने लेकर आ रहा है। बाप मौज कर दी तेरे झोटे ने। तो दोस्तों भैंसा ऐसे ही रोका जा सकता है, जिन्हें भाइयों को भैंसा रखने का शौक है, लेकिन भैंसा दोस्तों ऐसे ही रखा जा सकता है कि अच्छा भैंसा माल खाया हुआ काम करके रुक सकता है, हल चलावे, सड़क पर दौड़ लगावे, या गन्ने डाले वजन का काम करे। लेकिन दोस्तों भैंसे का इसका साइज ज़्यादा है, पीछा ड्रा बुग्गी में पूरा फुल साइज है जी, इससे बड़ा झोटा मिलना मुश्किल हो जाएगा आज के टाइम में। दोस्तों मील से जो है गांव में पहुंच लिया। अब दोस्तों गांव के बीच से नहीं चलेंगे दोस्तों, आज सोनू भाई की के गुजर जाने के बाद उनकी वो रस्म है जो कि 13वीं की रस्म होती है। तो दोस्तों गाँव बाहर से ही चलेंगे क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है वहाँ, मेहमान आ रहे हैं, तो सही नहीं है दोस्तों बीच में से बार बार, क्योंकि वैसे ट्रैफिक बहुत आ रहा होगा। तो हम गांव के खेत वाले रास्ते से चलेंगे दोस्तों घुमा के, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें पता है कोई काम हो रहा है दोस्तों, दुख तो हो ही गया, बड़ा दुख हो गया बच्चों को, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी दोस्तों, मन भाई मन से उतरता नहीं बिल्कुल भी, बड़ा दुख हुआ। दोस्तों गाँव बाहर से आ गए हैं खेतों की तरफ से, खेत में नहीं चल रहे हैं, खेत में थोड़ी देर बाद में आएंगे। पहले दोस्तों जाते ही घर पर काम देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में खेत में आएंगे। आगे तो टेम्पू हटेगा, इतना आपको दिखाता हूँ किसान अपने कटड़ों के कितने लाड करते हैं। शैम्पू ही शैम्पू बाजरा है, वो कहाँ है दूसरा? आंख में देखो चॉट वाइज है, बहुत बहुत जाग ठा रखे। कौन सा शैम्पू है? मुझे ना पता दोस्तों, ऐसे ही कटड़े नहीं है, मस्त होते अपने मालिक की बात मानते हो, देख लो कितना शैम्पू। मेरा मूड फ्रेश हो गया, मेरी थकान उतर गई आज कटड़े को देख के। पानी वेस्ट हो गया, मोटर बंद करो जल्दी, पानी ज्यादा वेस्ट हो गया। भाई वाह, कौन सा शैम्पू? चिक लग रहा, बहुत बढ़िया भाई। एक रुपए में काम हो जा? अच्छा 5 का हो गया अब, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पहुंच लिए हैं गियर में। तो दोस्तों मील में ज्यादा भीड़ तो थी नहीं, लेकिन फिर भी टाइम बहुत लग गया आज, ऐसे ही हो जाता है लेट जाने में। देखा ताऊ जी ने तो ला के खड़ी कर दी, ताऊ जी का देखो जी फागण का गन्ना कितना बढ़िया हो रहा है। और दोस्तों मील पर्ची नहीं दे रहा, लाल हो के गन्ने जा रहे,
ये देखो जी कमाल, अन्नी ताऊ जी का तो बिल्कुल ताजी छोल, डेली के डेली भर के डेली के डेली पूछा दे। और अब देखो गेट का गन्ना जो है मील के कब्जे का रहता है, तो पर्ची नहीं आ रही है किसानों की, बहुत मंदी पर्ची आ रही है दोस्तों। हमारी भी ये दो दिन लेट गई ट्रॉली, यानी दो दिन पहले चली जाती, टिंग टोंग छोड़ देते हैं ट्रॉली को। दोस्तों ट्रैक्टर ला कर बंद कर दिया है और गर्मी हुई है बहुत तेज। और दोस्तों देखो नहाने का कमाल, गाय तो उठ ही नहीं रही, उठानी पड़े इसे। देखो कितना अच्छा फील हुआ इसका, मतलब ये जो है गंदा फील कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों मैं इसे उठाकर गोबर हटा के गया था, बबलू भाई ने सारा काम निपटा दिया है। तो दोस्तों थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं और जो है खाना नाश्ता करके जब चलेंगे दोस्तों टीलर लेकर खेत में, टिंग टोंग। यहाँ तक कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगा, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, जुड़े रहिए।